हेलो फ्रेंड्स, हाँ आज कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ सीखने को मिलेगा। कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो तो सब कुछ आसान लगता है, इसलिए मैंने बोला कि ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो पॉइंट्स के आगे हम लोग जानेंगे व्हाट इज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस, बिकॉज अक्सर लोग जानते नहीं है कि व्हाट इज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस। सो वेलकम टू स्क्विडी बाय। तुम कभी स्विमिंग नहीं किए हो, बट अगर तुम्हारे क्रश ने बोला कि अगर मैं पानी में गिर जाऊँ तो तुम क्या करोगे, तुमने बोला कि मैं भी कूद जाऊंगा तुम्हें बचाने के लिए, सारे पानी में कूद के क्या मुठ मारेगा। हाँ, दिस इज ओवर कॉन्फिडेंस। जो चीज़ आपको नहीं पता, कभी किए नहीं हो, प्रैक्टिस नहीं है, अगर आप बोले जा रहे हो कि आई कैन डू इट, सो ये ओवर कॉन्फिडेंस है दोस्तों, जो सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। सो तुम्हारी जिस चीज़ पे प्रैक्टिस है, नॉलेज है, उसी चीज़ पे ही तुम ओनली कॉन्फिडेंस हो सकते हो। बाकी सब ओवर कॉन्फिडेंस। जोर से बोलो जय माता दी। ड्रेस वेल, हाँ गांडू जैसा ड्रेस अब छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि ड्रेस अब ठीक है तो ठीक है, अगर ठीक नहीं है ड्रेसिंग सेंस तो ये आपकी कॉन्फिडेंस लेवल लो कर सकता है। इसलिए सही ढंग के कपड़े पहनना पड़ेगा, और सही ढंग के कपड़े नहीं पहनना आता तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अभी सब्सक्राइब करो। जितने तुम अच्छे दिखोगे उतना तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल होगा। टिप नंबर टू, वर्कआउट। ईट हेल्दी एंड वर्कआउट अ लॉट। यस, वर्कआउट आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। इवन डॉक्टर टीपेधर को पहचानते हो ना? हाँ, डॉक्टर टीपेधर ने भी यही कहा था, बिकॉज वर्कआउट से और अच्छे खाने से आप हेल्दी रहोगे, देन आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। ये कौन सी बात है, गुड़ मिला के मजाक लग रहा है क्या? 7 दिन वर्कआउट करो, अच्छा खाओ, फिर रिजल्ट देखो, हाथ हाथ आएगा। विजुअलाइजेशन, थिंक तुम जो बनना चाहते हो वो बन गए, तुम्हारा लाइफस्टाइल कैसा होगा, क्या करोगे क्या नहीं करोगे, ये सब सोचो। इससे आपको छोटा सा खुशी मिलेगा जिससे आप कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा सकते हो। आगे भी किया है सब, मैं भी करता हूँ ऐसा, और बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे करते आ रहे, तुम भी हो सकते हो ऐसे करे हो जिससे आपको छोटी खुशी मिली है, तो इससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो भूलना मत, आज से स्टार्ट करो फिर से, क्या विजुअलाइजेशन। फक नेगेटिव पीपल्स, जो नेगेटिव बातें करते हैं उन मादर चौधों से दूर रहिए, क्योंकि सिर्फ वही आपकी कॉन्फिडेंस लेवल की माँ बहन कर सकती है। खुद से तो कुछ होता भी नहीं इनसे, और ऊपर से दूसरे को डीमोटिवेटेड करते हैं। सो ऑलवेज बी विथ पॉजिटिव पीपल्स, आसपास अपने दोस्त वगैरह जिसके साथ भी रहते हो, या हमेशा सोचना और देखना, ख्याल रखना कि वो पॉजिटिव हो, क्योंकि पॉजिटिवनेस से कॉन्फिडेंस ऐसे निकलता है जैसे कि कोई बंदा 1 महीने बाद मुठ मार रहे हो, और वैसे ही कॉन्फिडेंस निकलेगा, वैसे ही निकलेगा। स्टॉप बींग स्केयर्ड फॉर फेलियर इज द प्रॉब्लम ऑफ मोस्ट पीपल्स। अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि जिस चीज़ से डर हुए वो चीज़ की तरफ देखते ही नहीं। भाई जिससे डर लगे वो करना पड़ेगा बार बार, नहीं तो डर डर के जीना पड़ेगा। इससे अच्छा आज नहीं तो कल ट्राई करो, और रिजल्ट क्या आता है देखो, सक्सेस हो तो देखो कितना मजा आता है, और फेल हुआ तो दोबारा ट्राई करो। कोई भी परफेक्शन के साथ बॉर्न नहीं होता फ्रेंड्स, सिवाय इस आदमी के। हाँ, फेल हुआ तो कम से कम तुम्हें पता चलेगा कि कहाँ गलत है और कहाँ सही कर रहे हो, कहाँ सही जा रहे हो, कहाँ गलत हो रहा है, और खुद पे इस बात की कॉन्फिडेंस आएगा कि कम से कम तुम उन चूतियों से तो बेहतर हो जो डर डर के अपना कॉन्फिडेंस लेवल पहन के जिप पे घुसा रखता है। फेल मीन्स एटलीस्ट तुमने ट्राई किया। स्टॉप गूगल एवरी टाइम। क्या ये करना ठीक है, क्या ये सही प्रोसेस है करने के? गूगल माता जी तुम बता दो, हर वक्त गूगल मत करो। जो चीज़ नहीं पता है वो जानना ठीक है, लेकिन जान के भी गूगल करना 2 मिनट में तुम्हारी कॉन्फिडेंस लेवल लो कर देता है, और हम सब जानते हैं कि इतनी देर में मैगी भी नहीं बनती। गूगल रिजल्ट नेगेटिव आए तो कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है, इसीलिए जो जानते हो वो कभी मत पूछना, जस्ट डू इट। अगर फेल हो गए तो एटलीस्ट यू हैव ट्राइड। कुछ करके कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है तो दूसरी तरफ से फ़ायदा होता है कि कुछ सीखने को मिलेगा, अगर ना करके कुछ मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस लेवल लो करना। और ये है हमारा लास्ट एंड बोनस टिप, गौर से सुनना। सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ये टिप्स आपके ऊपर काम नहीं करेगा, और शेयर करोगे तो ऊपर वाला आपको दुनिया भर का कॉन्फिडेंस देगा, भरा भरा के देगा। मेरा बोलना था, मैंने बोल दिया, अब आपकी मर्जी। सब्सक्राइब ज़रूर करना, आपको आपका कॉन्फिडेंस लेवल का वास्ता, यही है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के बेस्ट एवर टिप्स। एंड यू नो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, कभी भी प्रैक्टिस नहीं छोड़ना। सो
सी यू एक्स नेक्स्ट संडे, तब तक के लिए बाय बाय।